सोनी टीवी पर नया डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर शुरू हो चुका है। अब तक सोनी टीवी पर आपने शुरू की महफिल सजती देखी थी, अब आपको देखने मिलेगा जबरदस्त डांस मूव। इस शो को गीता कपूर, टेरेंस लुईस और मलाइका अरोड़ा जज कर रही हैं। इस बार डांसर्स को सिलेक्ट करने के लिए एक स्पेशल चीज रखी गई है और वो ये थी कि डांसर को 90 सेकंड के अंदर जजेस को 3 कमाल के डांस मूव दिखाकर इम्प्रेस करना था। अपने डांस मूव से जजेस को इम्प्रेस करने में कई डांसर्स कामयाब रहे। चलिए आपको बताते हैं उन सभी डांसर्स के बारे में जो सिलेक्ट हो गए हैं और आगे अपना कमाल दिखाने वाले हैं। बेस्ट डांसर के सेट पर पहुंची साध्वी ने अपने बेस्ट क्लासिकल मूव से सभी को इम्प्रेस कर दिया। साध्वी ने अपने नाम की तरह ही बिल्कुल सरलता से मोहे पनघट पर गाने पर जबरदस्त डांस किया। साध्वी का डांस तीनों जजेस को बहुत पसंद आया। टेरेंस को साध्वी का डांस इतना पसंद आया कि उन्होंने स्टेज पर जाकर साध्वी से कहा कि मैं आपका फैन हो गया हूँ। वहीं स्टेज पर पहुंचे रोहित ने तो अपने ठुमकों से जजेस को दीवाना बना दिया। लड़का होने के बाद भी रोहित ने जो कमाल का बैली डांस किया है उसे देखकर जजेस के मुंह खुले रह गए। चूली के पीछे क्या है कि धुन पर जब रोहित ने अपनी कमर हिलाना स्टार्ट की तब जजेस शॉक में आ गए। जैसे ही बैली डांस करते हुए रोहित पलटे, तीनों जजेस शॉक रह गए कि ये लड़का है जो कमाल का बैली डांस कर रहा है। वहीं अपनी कमाल की फोक परफॉर्मेंस के साथ सेट पर पहुंची ऋतुजा जुन्नारकन ने अपनी क्लासिकल डांस से जजेस को बहुत इम्प्रेस किया। ऋतुजा ने जब लड़की आंख मारे पर क्लासिकल फोक परफॉर्मेंस दिया उसके बाद टेरेंस ने कहा कि इस फोक डांस को जितनी नज़ाकत के साथ आपने परफॉर्म किया है वो लाजवाब था। ऋतुजा के परफॉर्मेंस से उनके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश नजर आए। ऋतुजा के पेरेंट्स उन्हें बचपन से ही सपोर्ट करते हैं। डांस के बाद जब ऋतुजा सेट पर पहुंची तब उन्होंने बताया कि बचपन से ही डांस करती हूं लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसमें करियर बनाना है। 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग करने की सोची लेकिन तब मम्मी पापा ने मुझसे कहा कि इंजीनियर और डॉक्टर तो हर घर में होता है लेकिन डांसर नहीं होता। ऋतुजा की ये बात सुनकर टेरेंस ये कहते नजर आए कि ये सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। वहीं ऋतुजा के माता पिता का कहना है कि हमने बचपन से ही ऋतुजा को सपोर्ट किया है और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। वहीं रायपुर से आए मुकुल गायन ने भी अपने डांस से जजेस का दिल जीत लिया। मुकुल ये आंखों में कैसी नमी है पर डांस करते नजर आए। मुकुल का कहना है कि उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें डांस में बहुत सपोर्ट करती है। वहीं मुकुल की गर्लफ्रेंड सोनम की माने तो उनका कहना है कि उन्होंने मुकुल को एक इवेंट में डांस के दौरान देखा था और इसे मुकुल उन्हें बहुत पसंद है। वहीं यूपी के गाजियाबाद से आए 22 साल के शुभम कुमार 7 साल से डांसिंग कर रहे हैं। शुभम का मानना है कि बेस्ट डांसर की क्वालिटी होती है यूनिक, जो यूनिक है वही बेस्ट डांसर बन सकता है। अपनी परफॉर्मेंस में शुभम ने जन्म जन्म यूं ही साथ चलना पर कमाल के डांस मूव्स दिखाए जिससे कि जजेस के रोंगटे खड़े हो गए। शुभम को देखकर मलाइका अरोड़ा कहती नजर आईं, वह क्या लाइंस थी, मन कर रहा है कि मैं भी लाइन मार दूं। वहीं माँ के साथ चाइनीज की दुकान चलाने वाले विष्णु जब सेट पर पहुंची तब जजेस उनके डांस से काफी इम्प्रेस नजर आए। विष्णु ने अपनी क्रम्पिंग से जजेस को शॉक में डाल दिया। विष्णु का कहना है कि उन्होंने जो भी सीखा है चाइनीज की दुकान डालकर ही सीखा है, कभी किसी ने उनका सपोर्ट नहीं किया। विष्णु ने यह भी कहा कि जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक चाइनीज वाला डांसर और क्रम्पर तो बन ही सकता है। वहीं ग्वालियर से पहुंचे राज शर्मा ने भी जजेस को बहुत इम्प्रेस किया। राज की फैमिली बैकग्राउंड डांसर्स की ही रही है, वो चार भाई हैं और चारों ही डांस करते हैं। राज ने अपने शानदार एक्सप्रेशन भरे डांस से सभी को इम्प्रेस कर दिया। हरियाणा से पहुंची हिमांशी सभी के लिए एक मोटिवेशन है। हिमांशी ने बताया कि वो जहाँ रहती है वहाँ के लोगों की सोच कुछ अलग सी है। लोगों के सामने जब कहा जाता है कि हमारी बेटी डांस करती है तो लोग ये कहकर आश्चर्य करते हैं कि आपकी लड़की नाचती है। हिमांशी की पॉपिंग देखकर जजेस काफी इम्प्रेस नजर आए। अब ये सभी डांसर्स मिलकर स्टेज पर जो धमाल मचाएंगे वो तारीफ के काबिल होगा क्योंकि इस बार जजेस ढूंढ रहे हैं इंडिया के बेस्ट डांसर्स। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।